सुखी जीवन का रहस्य। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। बुजुर्ग सज्जन आग्रह पूर्वक सुकरात को अपने घर पर ले गया। भरा पूरा परिवार था उनके घर में, बहू बेटे, बेटी नाती नातिन सभी थे। सुकरात ने बुजुर्ग सज्जन से पूछा, आपके घर में तो सुख शांति का वास है, वैसे आप करते क्या है? इस पर बुजुर्ग सज्जन ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ईश्वर के दया से हमारा अच्छा कारोबार है जिसकी सारी जिम्मेदारी अब बेटे को सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारी बहुए जो है वो संभालती है, इसी तरह जीवन चल रहा है। ये सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा, आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके सुखी जीवन का रहस्य क्या? वह बुजुर्ग सज्जन मुस्कुराते बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक नीति को अपनाया है कि दूसरे से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहू को सौंपकर निश्चित हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते मैं खा लेता हूँ। अपने नाती नातिन को हंसता देखकर खेलता हूँ। मेरे बच्चे सब कुछ भूल करते तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभव को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न परिणाम को और सचेत कर देता हूँ। अब मेरी सलाह पर कितना अमल करते या नहीं करते ये देखना अपना मन व्यतीत करना मेरा काम नहीं, वह मेरे निर्देश पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें फिर विदा करता। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए ये आपने समझ लिया है, ये कहानी सबके लिए। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य ही होंगे, इसलिए आज बुजुर्गों को इज्जत और मदद करें जिससे कल आपको भी मदद और इज्जत करे। याद रखें, जो आज दिया जाता वही कल प्राप्त होता। अपनी बानी में सुई भले ही रखिए पर उसमें धागा जरूर डालकर रखिए ताकि सुई केवल छेदी ना करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखें।